अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल आप सब लोगों का। आज मैंने सोचा क्यों नहीं ब्लॉग बना लिया जाए। इट इज़ अबाउट द बंदिश टू ड्रामा विच इज गोइंग ऑन द एयर वाई डिजिटल। इट इज़ अबाउट द ब्लैक मैजिक जो कि आजकल काफ़ी इन है। आजकल हर एक दूसरा बंदा एक दूसरे को ब्लेम करता है। अगर किसी घर में कोई मसला है कि उसने दूसरे को जो है काला जादू कर दिया, तो इसी बेस पे शायद एयर वाई डिजिटल ने इस पे ड्रामा बनाया। और उसमें उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर ये काला जादू होता है तो घर भी किस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं और कैसे सब कुछ ऐसे नेचुरल लगता है। तो इस चीज़ को हाईलाइट किया उन्होंने। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। मैंने कहा कि आप भी देखें, अगर आप लोगों को भी इसमें कोई चीज़ लगती है कि आपके घर में भी कोई चीज़ इस तरह की हो रही है तो आप इस चीज़ को नोटिस करें। बट इट डजेंट मीन कि आप इस चीज़ को लेके आप मतलब वो तावीज़ धागे और वो करवाने शुरू हो जाएं। नहीं, इसका बेहतर यही हल होता है कि आप खुद पढ़ें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ कुरान पाक की सूरत में दी है, तो बेहतर है कि हम कुरान पाक को फोकस करें। लेकिन अगर कोई आपको बहुत आपका ट्रस्टेबल कोई बंदा है जो वाकई ही लगता है कि वो इस चीज़ को जिससे कहते हैं कि जादू का तोड़ निकाल सकता है तो वो ठीक है। लेकिन ये जो एक दूसरे को ब्लेम करना, स्पेशली ये ससुराल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही है। अगर आपके ससुराल में कोई मसला है, अच्छा उस दूसरे बंदे ने मेरे पे जादू किया, ठीक है। इस तरह रिश्तों में बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इन चीज़ों को दूर करने के लिए कि आपको पहले काले जादू का इलम होना चाहिए। और इसी चीज़ के लिए मुझे वो ड्रामा बहुत अच्छा लगा, बंदिश टू। आप लोग देखेंगे किस तरीके से काला जादू एक दूसरे के ऊपर होता है, इफेक्ट करता है। तो ये ड्रामा जो है बंदिश टू इसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है कि एक दूसरे की लाइफ किस तरह इफेक्ट होती है ये बंदिश की वजह से या ब्लैक मैजिक की वजह से। तो इस वजह से आप सब लोगों को इसका इलम होना चाहिए और इसका आपको पता भी होना चाहिए कि आपको घर में क्या पढ़ते रहना चाहिए। और ये हमारी डेली रूटीन भी होनी चाहिए कि हम कुछ जो है सूरह बकरा और बहुत ही इस तरह की आयतें हैं जो हम हमेशा अपने घर में पढ़नी चाहिए, ताकि क्योंकि आजकल आपको पता है कि सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट है, कोई भी एक दूसरे से खुश नहीं है। तो इस चीज़ के लिए नज़र भी बहुत लगती है, ये बंदिश भी बहुत होती है और आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इस चीज़ के लिए ये ड्रामा भी जरूर देखेंगे जो काले जादू करते हैं कि उनका एंड पे अंजाम क्या होता है और उसका क्या मतलब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको लगता है कि काला जादू करके आप दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो उसका खुद भी कुछ नहीं रहता क्योंकि खुदा पाक को ये काला जादू बहुत नापसंद है। तो इस वजह से आप सबको इस चीज़ का इलम होना चाहिए और इस चीज़ के लिए आपको एफर्ट करनी चाहिए कि आप अपने घर में जो है एक डेली रूटीन इस चीज़ की बनाएं और पढ़ें, ठीक है। और इस ड्रामे को जरूर देखें ताकि इससे आपको पता चलेगा कि काला जादू एक नेचुरल इस तरह अमल करता है कि आपको एक हर चीज़ नेचुरल लग रही होती है और आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं और घर टूट जाते हैं और कारोबार तबाह हो जाते हैं। तो इस चीज़ देखेंगे तो शायद किसी के घर में भी अगर ये कोई मामला आ जाए तो शायद वो अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना शुरू करें, उनके घर के मसले हल हो जाएं। मैं इसलिए हर बार कोशिश करती हूँ कोई ऐसा ड्रामा जो कि आपके लेसन लर्निंग हो या आपके घर से कोई जो इफेक्ट करे या आपकी कोई जो रियल लाइफ है उसको इफेक्ट करे। तो मेरी कोशिश होती है मैं आपको वो ड्रामास बताऊँ। बाकी तो आपको पता है वल्गैरिटी तो वैसे टॉप पे है, लेकिन कुछ ऐसे ड्रामास हैं चल रहे हैं जो आपको काफ़ी आपकी लाइफ को इफेक्ट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको गुरु के बारे में बताया था, फिर उसके बाद मैंने आपको बंदिश बताया। नेक्स्ट ड्रामा नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी तो उसके आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट ड्रामा कौन सा है और वो कैसे आपकी रियल लाइफ पर इफेक्ट कर सकता है। सो आज के लिए मेरा यही है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट प्लीज वॉच दिस ड्रामा। द नेम इज बंदिश टू एंड इट इज गोइंग ऑन द एयर वाई डिजिटल। इट इज वेरी नाइस एंड लेसन लर्निंग ड्रामा। सो कीप वॉचिंग our vlog and subscribe our channel and give us comment about this vlog. Thank you, bye bye, see you soon.